से मेरा निवेदन है कि वे अकेले यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। बाहर का कुछ भी अपने साथ इस ध्यान स्थल पर न लाएं, बस अकेले नेत्र बंद करें और अपने को अकेला पाए। कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, इस परम सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि यह तो मेरा है और यह तो मेरी है। बहुत रोते आ रहे हो और बहुत रोते ही रहना पड़ेगा, इसलिए किसी भी रा और री से मन को मुक्त कर लो और अकेले हो जाओ। जैसे गर्भ से निकल कर आए हैं अकेले और जैसे इस दुनिया से विदा होते हैं अकेले, ये परम सत्य आँखों देखा अनुभव भी है। कोई अंदर न आने पाए, अब अपने इष्ट को अपने सम्मुख ले आए, जो आपका इष्ट है, जो आपके कल्याण में सहायक है। शुरू करें ओम जय सद्गुरु स्वामी। सतगुरु स्वामी ओम जय सतगुरु स्वामी प्रभु जय सतगुरु स्वामी प्रभु जय सतगुरु स्वामी मुमुक्षु जनों के संशय मुमुक्षु जनों दक्षिण दूर करे दक्षिण दूर करे ओम जय सतगुरु स्वामी ओम जय सतगुरु स्वामी। किसी की भी गर्दन नहीं झुक रही, अकड़ के बैठे हो पत्थर की मूर्ति के, जब बोलते हो ओम जय सतगुरु स्वामी तो बस क्या ये नमन नहीं अंदर से? शरण पड़े को मुक्ति दिलावे शरण पड़े को मुक्ति दिलावे भव भ्रमण मिटे उनका भव भ्रमण मिटे उनका मल विक्षेप को दूर हटावे मल विक्षेप को दूर हटावे अज्ञान कटे मन का अज्ञान कटे मन का ओम जय सतगुरु स्वामी ओम जय सतगुरु स्वामी तुम ही सर्वं देव
खाए। प्रति सन्मुख जो मेरे, प्रति सन्मुख जो मेरे, जो उपकार किया प्रभु मुझ पर, जो उपकार किया प्रभु मुझ पर, किस विध कहूँ तुम रे, किस विध कहूँ तुम रे। ओम जय सद्गुरु स्वामी, ओम जय सद्गुरु स्वामी। तन मन धन से सेवा करूं, तन मन धन से सेवा करूं, मन लाऊं नहीं कामा, मन लाऊं नहीं कामा, शांता गुरुमुख आरत हो, शांता गुरुमुख आरत हो, पाओ भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम्, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्ष मूलं गुरुकृपा, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। यस्य देवे परा भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे तथा गुरु, तस्येते कथिता यर्था, तस्येते कथिता यर्था, प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते महात्मनः, अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मातृदेवो भव पितृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव अतिथिदेवो भव आचार्यदेवो भव आचार्यदेवो भव सर्वं देवो भव सर्वं देवो भव ॐ शांति 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 सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें छोटा रुमाल नहीं रखो पास अनादि काल से संसार का प्रत्येक प्राणी मनुष्य नहीं पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण चार प्रकारों से उत्पन्न होकर 84 लाख योनियों का चक्र काटता चला आ रहा है। कभी अंडे के द्वारा पैदा होता है, कभी पसीने जल से पैदा होता है, कभी जमीन से पैदा होता है, कभी गर्भ से पैदा होता है। ये जीवों के प्रकट होने के चार मार्ग हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। उसमें भी 84 लाख योनियों की यात्रा यह जीव करता है। नौ लाख प्रकार के जलचर, 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले, 11 लाख प्रकार के जमीन के अंदर ही जीवन व्यतीत करने वाले, 20 लाख जमीन से उत्पन्न होने वाले, 30 लाख चार टांगों से चलने वाले और 4 लाख मनुष्य देवता, इस प्रकार 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद यह जीवन वर्तमान वाला मिला है। पर आप अपने पिछले कष्टों को भूल गए। जब कुत्ते बनकर, सुअर बनकर, बाघ बिल्ली बनकर, सांप चूहा बनकर वो जो कष्ट पाया वो भूल गए।
और इस मानव जीवन के लिए ही हर योनि में प्रार्थना की है, प्रभु हमें मनुष्य जीवन प्रदान कर दो, तो तुम्हारा ही भजन करेंगे, तुम्हारा ही चिंतन करेंगे, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरी माता, तुमको ही अपना भाई, अपनी बहन, बंधु, तुमको ही मानूंगा। प्रार्थना की थी, वचन देकर आए थे और कहा था प्राण जाए पर वचन न जाई, मेरे प्राण चले जाएंगे किसी भी कारण से, लेकिन मैं तुम्हारे को नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारा ही चिंतन करूंगा। अब वो शरीर लेकर बैठे हैं तो मुझे अपना सारा चिंतन आत्म कल्याण में ही लगाना चाहिए, सारा चिंतन, लेकिन हो रहा है उल्टा, हमारा सारा चिंतन जो है संसार में हो रहा है। इस 24 घंटे के अंदर एक घंटा भी हम परमात्मा के लिए नहीं निकाल पाते हैं। बैठे हो जरूर, लेकिन मन में तो कहाँ कहाँ दौड़ हो रही है, कौन कौन सी यादें आ रही है, कौन कौन से बातें हो रही है, किस किस प्रकार का चिंतन हो रहा है। तो 100 वर्ष के जीवन में टोटल किया जाए अपनी साधना का, एक महीना भी नहीं मिलेगा। एक महीना, 100 वर्ष में कितने महीने हो जाते होंगे? 1200 महीने में एक महीना भी हमने परमात्मा को नहीं दिया। टोटल अगर किया जाए तो मनुष्य जीवन में अगर हमने अपनी परमात्मा से किए वचन का पालन नहीं किया तो फिर वही यात्रा में जाना पड़ेगा। तो हमें आज विचार करना है अपने वास्तविक स्वरूप का, उसके न जानने से ये 84 में भटक रहे हैं। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है इसे शास्त्र ही बताता है। क्या बताता है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराम, ये आपका असली स्वरूप है। कितने लोग जानते हैं? सब अपना नाम, अपनी जाति, अपने संबंध, बस इसी में तो सब अटके हुए हैं। परमात्मा हमारा स्वरूप बताता है, उसमें हमारी श्रद्धा निष्ठा नहीं। एक गांव का मूर्ख पंडित हमारा नाम बता देगा और समाज घर वाले जाति बता देंगे, ये तेरा नाम और ये तेरी जाति। जबकि भगवान कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। कौन इसको स्वीकार करके बैठा है? कोई नहीं। यहाँ हम पूछ लेते हैं कस्तुम, तो उत्तर दे देते हो दृष्टा साक्षी आत्मा, पर क्या सचमुच में भी तुम अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा करके अनुभव भी कर रहे हो? अनुभव करते हो, ये मेरी औरत, ये मेरा आदमी, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा धंधा, बस इसी में है, कल्याण नहीं। फिर पछताना पड़ेगा। तो आज इसका साक्षात्कार करें कि मेरे में सत क्या है, मेरे में चित क्या है और मेरे में आनंद क्या। क्योंकि शास्त्र कह रहा है तो वो बात तो झूठी नहीं है। शास्त्र कहता है ईश्वर अंश, फिर अविनाशी, फिर चेतन और फिर सहज सुखरूप। तो पहले अंश की बात करते हैं।
अंश अंशी से ही निकलता है, तो अंशी से निकलने वाला अंश कभी अन्य जाति का नहीं हो सकता। समुद्र का एक गिलास पानी या एक बूंद पानी समुद्र के गुण से अलग नहीं। जो समुद्र विराट समुद्र का गुण है खराशपना, एक बूंद अंश वो वैसा ही है। तो ये जीव किसका अंश है? परमात्मा का, सच्चिदानंद परमात्मा का। तो अब हमारे अंदर भी वही गुण होना चाहिए। जो अंशी में गुण है वो अंश में मिलना ही चाहिए। अगर वो हमारे में नहीं तो हमको ईश्वर अंश क्यों कहा? नहीं है इसीलिए कहा। ये हमारे मन का नहीं है, ये तो उपनिषदों में ईश्वर की वाणी है। तो क्या क्या कहा है? सत चित और आनंद का यह अंश है। परमात्मा कैसा है? राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम को परमात्मा को क्या गुण वाला बताया? सत चित और आनंद। और उसी के हम बेटा, उसी की हम संतान। तो फिर हमारे में उसमें तो एकता ही होना चाहिए। जैसे रमेश दास का बेटा, तो वो रमेश दास मानता है तो वो भी विभु दास मानता है। अगर वो रमेश अपने को साहू मानता तो विभु भी अपने को साहू मानता, क्योंकि जो बाप की जो उपाधि होती है वो बेटे को, या पति की जो उपाधि होती है वो पत्नी की, संसारिक नियम है। तो परमात्मा के साथ भी हमारा रिश्ता देख लें कि वो हमारा बाप है तो हम उसके बेटे हैं, अगर वो हमारा पति है तो हम उसके पत्नी हैं। तो पति का जो जो उपाधि या सरनेम होता है वो पत्नी का होता है, और पिता का जो होता है वो पुत्र का। तो हमारा पिता या पति कौन कौन से उपाधि वाला है? सत चित और आनंद। तो वो आज अपने में हम खोजें तो पक्का हो जाए कि हम उसी की बेटे संतान हैं। देखो आश्चर्य, संसार में मारवाड़ी का बेटा अपने को मारवाड़ी मान लेता है बिना कोई संदेह, गुजराती का गुजराती मान लेता है, उड़िया वालों का उड़िया मान लेता है, सिंधी पंजाबी वालों का अपने आप मान लेता है। तो हम उसके हैं तो वही अपने को भी मानना चाहिए। वो सच्चिदानंद के हैं तो भी हम सच्चिदानंद, पर ये बात नहीं आ रही समझ में। तो अपने अंदर पहले हम सत को ढूंढेंगे, सत मिल जाएगा तब हम चित को ढूंढेंगे, और चित भी मिल जाएगा अपने में तो आनंद को ढूंढेंगे, और ये तीनों मिल गए तो फिर छाती ठोक कर हम कह सकते कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। केवल वाणी का विषय नहीं, अनुभव की बात है, आज अनुभव में लाएंगे। भगवान कृष्ण ने इसका सूत्र दे दिया कि जिसका तीनों कालों में नाश न हो, तीनों कालों में अभाव न हो, वो सत की पहचान है। और जो तीनों कालों को जानता हो वो चित की पहचान, तीनों कालों में जानता हो वो चित की पहचान, और तीनों कालों में जो परम प्रिय लगे वो आनंद की
पहचान। ये भगवान ने ही निर्णय दे दिया, सूत्र भी दे दिए। तीन सूत्र याद रखो, कौन कौन से? जिसका तीनों कालों में नाश न हो वह क्या है? सत है। और जो तीनों कालों को जानता हो वो क्या है? चित है। और तीनों कालों में जो प्रिय लगे वो क्या है? आनंद है। ये तीनों की तीनों बातें हम अपने अंदर ढूंढेंगे। तो जैसे कल भृगु ने पूछा था अपने पिता से कि मुझे मार्ग तो बताओ, मैं किस मार्ग से खोजूं? तो बोले या तो अन्न के मार्ग से, या प्राण के मार्ग से, या मन के मार्ग से तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ ये पूछ रहा है कि आपने जो बता दिया है सत चित आनंद, यह जीव का स्वभाव है। और सत वह जो तीनों कालों में अभाव ना हो, चित वह जो तीनों कालों में जानता हो, और आनंद वो जो प्रिय हो। तो मैं किधर से जाऊं, किधर से उसको ढूंढूं? तो कहा कि देख भाई, शरीर के माध्यम से, काल के माध्यम से, और ऋतुओं के माध्यम से, समय के माध्यम से ये मार्ग बता रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अब अवस्थाओं के द्वारा। तो अवस्थाएं, समय, ऋतुएं, इन सब में तीन तीन विभाग हम ढूंढेंगे, क्योंकि सत्य का निर्णय तीन बातों से होगा। तीन जगह पर मिल जाए तो सत्य है। तो शरीर में तीन क्या क्या है पहले विचारते हैं। तो बाल्यकाल, युवाकाल और वृद्धकाल, ये तीन तीन का विभाग करने से अब सत्य का पता लगेगा। फिर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इसी प्रकार जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल। इसी तरह से विचारे प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल। इसी तरह दिन, सप्ताह और माह, गर्मी, सर्दी, वर्षा, मनु, युग, कल्प, बस इतने काफी हैं। इनमें जितने अभी नाम बताए तीन तीन का जो त्रिपुटी, इनमें जो चीज मिल जाएगी उसको हमें क्या कहना होगा? वो सत्य, उसमें संदेह। कौन इसको वेरीफाई करेगा? भगवान कृष्ण। वो अगर तुमने अपने को तीनों जगह पर देख लिया तो भगवान स्टैंप मार देगा कि फिर तुम सत हो। तुमने अपने को तीन जगह ढूंढ लिया तो तुम्हारे फिर सत होने में कोई संदेह नहीं। तो शुरू करते हैं। आप, मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे, कोई मौन चुप नहीं रहेगा। बोलने में, अपना शुद्ध स्वरूप बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो अब हम कौन सी सिद्धि करने जा रहे हैं? सत की, चित की, आनंद की? सत की। पहले सत की सिद्धि। तो बोलें, बाल्यकाल में हैं, बाल्यकाल में हैं, युवा काल में हैं, युवा काल में हैं, वृद्ध काल में हैं, वृद्ध काल में हैं, इसलिए हम सत्य हैं, सत्य हैं, जो तीनों कालों में होता है, जो तीनों कालों में होता है, वो सत्य कहलाता है, वो सत्य कहलाता है। अच्छा, अब आप लोग विचारें इस बात को, हम बाल्यकाल में थे या नहीं, हम युवा काल में थे या नहीं, और वृद्ध काल में है या नहीं। तो आपको पता लग जाएगा, बाल्यकाल में हम हैं, बचपन देखा है,
युवा काल में भी और वृद्ध काल में भी। किसी को संदेह है? नहीं। इन तीनों अवस्थाओं में हम अपने को पाते कि नहीं पाते? पाते। कोई इसी कोई कह दे कि मैं तो जवानी में नहीं था, बुढ़ापे में हूँ, या मैं तो बचपन में नहीं था, मैं तो जवानी में आ गया, ऐसा कोई होगा? बोलो। तो पक्का कर लिया। अब और काल में विचार कर, भूतकाल में हैं, भूतकाल में हैं, वर्तमान काल में हैं, वर्तमान काल में हैं, भविष्य काल में हैं, भविष्य काल में हैं, इसलिए हम सत्य हैं, सत्य हैं, जो तीनों कालों में रहता है, जो तीनों कालों में रहता है, वो सत्य कहलाता है, वो सत्य कहलाता है। इस पे भी विचारो कि भूतकाल में थे या नहीं थे। बोलो थे। बोलो अगर ना होते तो वर्तमान में कैसे आते? भूतकाल में थे तभी तो वर्तमान में हैं, और वर्तमान में है तो भविष्य में होंगे कि नहीं, क्योंकि जीव का कभी नाश नहीं पक्का है। शरीर बदले जाएंगे, भूतकाल का शरीर और था, वर्तमान का शरीर और है, और भविष्य का और होगा। तो ये भी पक्का हो गया कि तीनों काल में मैं हूँ। कोई कह सकता है कि बिना भूतकाल के मैं भविष्य में चला गया, बाईपास करके वर्तमान छोड़ दिया? ऐसा कभी भी नहीं होगा, पक्का हो गया। पक्का करते जाओ अपने अंदर। और अब जागृत में हैं, जागृत में हैं, स्वप्न में हैं, स्वप्न में हैं, सुषुप्ति में हैं, सुषुप्ति में हैं, इसलिए हम क्या हैं? सत्य है। क्या है? सत्य है। क्यों हैं? तीनों कालों में हैं। ये पक्का हो गया। अब अपने से ही पक्का करो कि हम तीनों कालों में हैं, इसलिए सत्य हैं। कोई कह सकता है कि मैं जागृत में नहीं हूँ, मैं स्वप्न में रहता हूँ, या मैं स्वप्न में रहता हूँ और जागृत में नहीं रहता हूँ? ऐसा भी नहीं कि मैं सुषुप्ति में नहीं रहता हूँ और सदा सपने में, कोई नहीं, सब तीनों में घूमते हैं। अच्छा, तो प्रातःकाल में हैं, प्रातःकाल में हैं कि नहीं है, थे कि नहीं है, मध्याह्न में है कि नहीं है, और संध्या में भी है, तो फिर हम क्या हैं? सत्य है। क्यों हैं? तीनों कालों में, तीनों कालों में निस्संदेह। हाँ, ऐसे ही दिन में है, दिन में है, सप्ताह में है, सप्ताह में, माह में है, माह में, तो हम क्या है? सत्य है। क्यों है? तीनों कालों में, तीनों कालों में। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि मैं दिन में नहीं था, सप्ताह में हूँ, या मैं सप्ताह में नहीं था, मैं तो महीने में हूँ। कोई ऐसा कर सकता है? नहीं। ग्रीष्म में है, ग्रीष्म में है, शीत में है, शीत में है, वर्षा में है, वर्षा में है, तो हम क्या हैं? सत्य है। क्यों हैं? तीनों कालों में। इसमें भी विचारो। कोई कह सकता है कि मैंने कभी गर्मी देखी नहीं, मैं तो सर्दी में ही हमेशा रहता हूँ। हाँ, कहीं हिमालय चले जाओ तो बात और है। तो मैं तीनों कालों के अंदर तो सर्दी में भी हूँ, गर्मी में भी हूँ, और वर्षा में भी हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? सत्य हूँ। क्या हूँ? सत्य हूँ। क्यों हूँ? तीनों कालों में जो रहता है वो सत्य कहलाता है। तो तुम लोगों ने अभी अपने को किसी काल में अभाव देखा? कोई भी काल में अभाव नहीं। तो तुम भगवान कृष्ण के मत से क्या निश्चित हो गए? हम सत्य हैं। हम क्या हैं? क्यों सत्य हैं? कि हमारा तीनों कालों में सत्य की डेफिनेशन ही यही है कि जिसका तीनों कालों में नाश ना हो, अभाव ना हो, वह सत्य होता है। तो हम तो जागृत में भी हैं, स्वप्न में भी हैं, सुषुप्ति में भी हैं, प्रातःकाल भी हैं, मध्याह्न काल में भी हैं, संध्या काल में भी हैं, बाल्यकाल में भी हैं, युवा काल में भी हैं, और वृद्ध काल में भी हैं, दिन में भी हैं, सप्ताह में भी हैं, माह में भी हैं,
सर्दी में भी हैं, गर्मी में भी हैं और वर्षा में भी, और वर्ष में भी हैं, युग में भी हैं और कल्प में भी हैं। तो हम क्या हैं? सत्य हैं। क्यों हैं? पक्का हो गया। अब बताओ तुम कब मरोगे? अब बताओ तुम कब मरोगे? कोरोना से या हैजा से कि किसी के शत्रु के आक्रमण से? तो उत्तर क्या निकलेगा? मुझे दुनिया में कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं, मैं क्या हूँ? आत्मा, चैतन्य आत्मा। तो उसको शस्त्र से काटा जाएगा, अग्नि में जलाया जाएगा, पानी में डुबाया जाएगा, पवन में सुखाया जाएगा। तो ये तुमको पक्का कर लेने का है, जैसे पिता ने नाम पक्का करा दिया, जाति पक्की करा दी, जो कि नाम भी कच्चा है और जाति भी कच्ची, झूठा है, नाम भी झूठा है। और कभी कभी शादी का मौका आता है और लड़के लड़की के गुण विरोध नहीं मिलते तो पंडित कहता है नाम बदल दो तो शादी हो जाएगी, और नाम नहीं बदलोगे तो या तो लड़का मर जाएगा कि लड़की मर जाएगी, इसी नाम से शादी होगा, तो इसलिए वह नाम भी बदल लेते हैं, फिर जाति भी बदल लेते हैं। तो पक्का कर लिया कि मैं सत्य हूँ। क्या हूँ? सत्य हूँ। क्यों सत्य हूँ? कि मेरा किसी काल में अभाव नहीं, नाश नहीं। अगर ये बात सचमुच में हृदय में आ जाए तो कितना आनंद, कितना आनंद अभी अभी घट जाए कि ओहो, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, मैं कभी मर नहीं सकता। क्यों? कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये प्रमाण भी मिल रहा है, पर भगवान का प्रमाण नहीं मान रहे, वेद प्रमाण नहीं मान रहे, मूर्ख समाज का प्रमाण मान लेते हैं कि ये तेरा बाप, तेरी माँ, और ये तू जन्मा, ये मरेगा, ये जल्दी से मान लेते हैं। तो आज यहाँ से उठोगे तो सत चित आनंद का अनुभव करके उठना। अब हम चित पर विचार करते हैं। सत की बात हो गई पक्की कंप्लीट, कोई संदेह तो नहीं। तो चित की परिभाषा क्या बताइए? तीनों कालों को जानता है। जो तीनों कालों को जानता हो उसको चैतन्य कहते हैं, तीनों कालों को। तो अब मेरे साथ आप चलेंगे। बाल्यकाल को जानते हैं? बाल्यकाल को जानते हैं। बोलो कि नहीं जानते? सब जानते हैं अपने बचपन का। युवा काल को जानते हैं? युवा काल को जानते हैं। वृद्ध काल को जानते हैं? वृद्ध काल को जानते हैं। इसलिए हम चैतन्य हैं। चैतन्य हैं। क्यों चैतन्य है? क्योंकि जड़ तो जान नहीं सकेगा। ये घड़ी तुमको जानेगे कि तुम घड़ी को जानोगे? हम घड़ी को जानेंगे। क्यों घड़ी क्यों नहीं जानेगी तुमको? सब तो टाइम बता रही है, 24 घंटे 12 घंटे, पर वो जड़ है। तुम जानोगे कि क्या टाइम हुआ। तो चेतन के द्वारा जड़ जाना जाएगा, जड़ के द्वारा चेतन नहीं जाना जाएगा। तो ये तुम्हारा हमारा शरीर तो जड़ है, ये नहीं जानेगा, पर हम जानेंगे कि जवान है कि बूढ़ा है, कि गोरा है कि काला है, कि रोगी है कि निरोगी है, हम जानते ना। तो तीनों कालों को जानते, इसलिए हम चेतन हैं। भूतकाल को जानते हैं? वर्तमान काल को जानते हैं? वर्तमान काल को जानते हैं। भविष्य काल को जानते हैं? भविष्य काल को जानते हैं। इसलिए हम चैतन्य है। जो तीनों कालों को जानता है, तीनों कालों को जानता है, वो चैतन्य कहलाता है, वो चैतन्य कहलाता है। अब आप विचारो इस बात को कि आप भूतकाल को जानते कि नहीं जानते हो, वर्तमान काल को जानते हो कि नहीं, और भविष्य काल को जानते हो नहीं। तो आप कहोगे हमको तो भूतकाल का पता नहीं है। तो बताऊं आपको पता? कभी कभी आपको एक ऐसी शांति, एक ऐसा आपको वस्तु मिल जाती है तो आप पे तो जरूर मेरे कोई पिछले जन्म का
पुण्य है, इसलिए आज मुझे ये लाभ मिला। या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना में हो जाए, तुम ज्योतिषी नहीं हो फिर भी तुम तीन जन्म के बारे में तो पक्का कर लेते हो, क्या कोई मेरा पिछले जन्म का पाप है इसलिए ऐसा ऐसे दुर्घटना हो गई, ये तो हो गया। अब भविष्य के लिए भी तुम अच्छा दान देते हो, अच्छा व्यवहार करते हो ताकि मेरे को आगे मिले। मरते समय भी बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं मेरे नाम की गाय दान करा दो, मेरे नाम की कंबल बटवा दो, मेरे नाम से क्यों, तुम तो मर रहे हो कंबल बट के क्या होगा, अरे मर रहा हूँ तो आगे जब मेरे को मिलेगा ना। तो देखो हर आदमी तीन जन्म के बारे में स्वयं निर्णय कर लेता है। और प्रमाण, एक अंधा फिर लंगड़ा और वो वेश्या के घर जा रहा है, वो शराब घर जा रहा है और वो मुर्गा लेकर जा रहा है खरीद कर, अंधा फिर लंगड़ा और फिर घर में देखो शराब घर फिर कतल घर कसाई के पास और वेश्या क्या। तो तुम लोग क्या कहोगे, अरे अरे पहले क्या कर्म करे थे जो आज अंधा फिर लंगड़ा और अब ये जो कर रहा है शराब की नशा की वेश्या गम। तो आगे और सुंदर जीवन होगा है? तो तुम लोगों ने तीन जन्म के बारे में बिना पंडित के पूछे बिना ज्योतिष शास्त्र सीखे निर्णय कर लिया। तो अब अपने बारे में भी जान लो कि मैं भूत को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ और भविष्य को भी जानता हूँ। किस रूप से ये आगे हमको अच्छा मिलेगा, ये अब आगे उत्तर तुम देना। जागृत को जानते हैं, जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, स्वप्नों को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, जानते हैं। और ये जागृत काल को नहीं जान रहे, फिर नींद आएगी सपने को भी बता भी देते हैं कि रात ये सपना आया था मेरे सपने में हुआ और गहरी नींद को भी। तो तीनों कालों को आप जानते तो आप कौन है, बोलो। हाँ सत्य हो गया पहले निर्णय, अब ये जान लिया हम चिद भी हैं। प्रातः काल को जानते हैं, प्रातः काल को जानते हैं, जानते नहीं जानते, जानते मध्याह्न काल को जानते हैं और संध्या काल को जानते हैं। तो फिर आप क्या हैं, चित्त, क्या हैं, चित्त, क्यों हैं, तीनों कालों को जानते हैं। इसको कोई भी विज्ञानी के आदमी झूठा कर सकता है, कोई भी अन्य मतावलंबी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी इस बात को अकाट्य बात ही चल रही है, कोई इसको बदल नहीं सकता किसी भी मन का मानने वाला क्यों ना हो। अच्छा तो इसी तरह दिन को जानते हैं, दिन को जानते हैं, सप्ताह को जानते हैं, सप्ताह को जानते हैं, मास को जानते हैं, मास को जानते हैं। तो हम क्या हैं, चित्त, क्या है, चित्त, क्यों हैं, तीनों कालों को जानते हैं, सर्दी को जानते हैं, सर्दी को जानते हैं, गर्मी को जानते हैं, गर्मी को जानते हैं, वर्षा को जानते हैं। तो हम क्या हैं, चित्त, क्या हैं, चित्त, क्यों हैं, तीनों कालों को जानते हैं। सर्दी को जानते हो, हाँ जानते हैं, वर्षा को जानते हो, हाँ जानते हैं, अभी बबलू भी क्या आया ना तो जानते हैं, ग्रीष्म को भी जानते, तो पक्के हो गए हम जानने वाले, सर्दी को भी जाना, वर्षा को भी जाना और ग्रीष्म को भी जाना, तो हम क्या हो गए, चेतन हो गए। ऐसे ही हम वर्ष को भी जानते हैं, युग को भी जानते हैं और कल्प को भी जानते हैं, इसलिए हम क्या हैं, चेतन। किसी को संदेह है अपने चैतन्य होने में, कोई कह सकता कि मैं तो चैतन्य नहीं हूँ मैं तो जड़ हूँ,
बोलो 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 सही कि मैं जड़ हूँ। बोल तो ये बोला कैसे, अगर जड़ होता तो, ये जड़ होता तो ये बोल भी नहीं पाता, ये नहीं तू बोल रहा है तो ये चैतन्य है। अरे मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं परमात्मा को नहीं मानता। अच्छा भैया नहीं मानता है तो फिर ये बोल कैसे रहा बिना आत्मा के बिना परमात्मा के, उसका वक्त मृतक पुरुष बोल पाएगा? मृतक सब कुछ हाथ पैर उसका, लेकिन अभी वो बोल नहीं पाएगा। तुम क्यों बोल पाते हो कि तुम चैतन्य। अब अंतिम पॉइंट पे आते हैं, कौन सा, आनंद के ऊपर। इन दो में तो कोई संदेह नहीं ना, मैं सत हूँ इसमें कोई संदेह है? कैसे मान लिया कि मैं हूँ सत, क्योंकि मैं तीनों कालों में रहता हूँ, मेरा किसी काल में अभाव नहीं। और तुम चैतन्य हो इसमें कोई संदेह है? कैसे मान लिया तुम चैतन्य हो? जानता हूँ कोई दुनिया का आदमी इसको आपको गलत सिद्ध करेगा। अब आया आनंद की बात, तो आनंद की परिभाषा क्या, जो तीनों कालों में प्रिय लगे वो आनंद, तीनों कालों में। तो अब बोलेंगे